ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या आप दोनों का मिलन होगा, आपको और आपके पर्सन का मिलन होगा, क्या आपका यूनियन होगा, वापस रीयूनियन होगा। आज हम ये चेक करेंगे। ये रीडिंग जनरल रहेगी पूरी तरह से व्यूअर्स, तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ भी रेजोनेट हो आप मुझे बताना ना भूलें, ओके। साथ ही ये रीडिंग पूरी तरह से टाइमलेस रहेगी। आप जब भी मेरे वीडियो तक पहुँचते हैं ये रीडिंग तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी, चाहे ये वीडियो कितने भी पुराना क्यों ना हो। और ये सभी साइंस के लिए है। आपका कोई भी साइन हो, आपके पर्सन का कोई भी साइन हो, और आपकी चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप सिंगल हों, कमिटेड हों, डाइवोर्स्ड हों, या फिर नो कॉन्टैक्ट में हों, ये हर सिचुएशन पर रेजोनेट कर सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन गाइज आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहूँगी और आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको रीडिंग्स के थ्रू देती रहूँगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ओके व्यूअर्स। तो चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो आपके पर्सन के साथ आपका मिलन होगा। एक मिनट, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, टू ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज टू ऑफ सोर्ड्स। वेट अ मिनट गाइस, लेट मी सी। क्या आपके पर्सन से आपका मिलन होगा? चलिए चेक करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, तो काफ़ी टू की एनर्जी लग रही है। हो सकता है सेकेंड मंथ में आपका बर्थडे हो या आपके पर्सन का बर्थडे हो, और नहीं तो आपको ट्रिपल टू दिखता होगा, या दो हफ्ते से बात नहीं होगी, या रिश्ते को दो साल हो गए होंगे। दो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइस कार्ड्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज अ गुड कार्ड। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स, क्लैरिफाई, ओके, जजमेंट, वेरी गुड। तो यहाँ जो आप पूछ रहे थे उसका जवाब तो आएगा ही। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है नाइट ऑफ सोर्ड्स से। Clarify nine of pentacles. Clarify nine of pentacles. The fool. Very good. Energy of deck is ten of cups. So beautiful guys. Very beautiful. Energy of deck ten of cups है। कितना beautiful card आया है आपके लिए energy of deck में, वो भी upright. Okay. तो चलिए यहाँ हम आपको देख के बताते हैं कि आपको और आपके person का मिलन होगा कि नहीं। देखिए guys, ऐसा है कि आपके पर्सन अभी यहाँ पर दो सिचुएशंस में अटके हुए हैं और फैसला नहीं लिया है उन्होंने, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है आपकी तरफ आने का अब तक, या फिर अब तक नहीं लिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, उनके पास दो सिचुएशंस हैं, या तो कोई और भी है उनकी लाइफ में, या उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, यानी कि ऐसा है कि वो दो सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे व्यक्ति देख रहे हैं आप, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है कि ये पर्सन दो सिचुएशंस को जगल करने की कोशिश कर रहा है और बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही आपके पर्सन अभी भी दो सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे हैं, और आपके लिए अभी उन्होंने डिसीजन अब तक नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ वो दो रास्तों में अटके हुए हैं, उनको अभी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ऐसा है यहाँ पर, और हम यहाँ पर पूछ रहे हैं आपके मिलन के रिलेटेड बात, कि आपका रियूनियन आपके पार्टनर के साथ होगा या नहीं। आगे क्लैरिफाई हुआ है गाइस जजमेंट से, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी प्रे कर रहे थे यूनिवर्स से, उनको मांग रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप अगर आपने अब तक ये किया है तो गाइस आप खुश हो जाइए, क्योंकि जो आपकी ये विश है वो ग्रांट होने वाली है, आपकी इच्छा जो है वो पूरी होने वाली है। आपके पर्सन आपकी तरफ, यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन, कोई बहुत ही फास्ट प्रपोजल आपकी तरफ आने वाला है, आपके पर्सन की तरफ से आने वाले एक हफ्ते में, एक महीने के अंदर ये प्रपोजल, ये ऑफर या कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आ सकता है, और बहुत फास्ट होगा ये। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपके पर्सन आपकी तरफ आए, मैं आपको बता रही हूँ एनर्जी देखकर, आप मेरी बात माने ना माने ये आप पर निर्भर है, एनर्जी देखकर बता सकती हूँ मैं आपको ये कि आपके पर्सन बहुत फास्ट आएंगे आपकी तरफ और आपसे बहुत फास्ट जवाब मांगेंगे, ओके, क्योंकि उन्होंने बहुत फास्ट निर्णय लिया और आपकी तरफ बहुत फास्ट आ गए और आपसे बहुत जल्दी जवाब मांग रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है गाइस कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ गए तो आप खुश होकर एकदम और एकदम एक्साइटेड होकर सब बातों के लिए उनको हाँ कर दें, या फिर आप उनको जल्दी से इतने खुश हो जाएं कि सारी बातों के लिए वादे कर दें, हाँ कर दें,
उनको अपनी लाइफ में इजीली आने दें, पुरानी सारी बातों को एकदम से भूल जाएं। ऐसा भी मत करिएगा क्योंकि इससे आपकी वैल्यू यहाँ कम दिखेगी। आपके पर्सन आप जितने फास्ट आए हैं उतने ही फास्ट लौट के भी जा सकते हैं। अगर उन्हें पता लगा कि आप तो उनके लिए अभी भी मरे जा रहे हो, पीछे भाग रहे हो उनके, उनके तो आने से ही, उनके तो कॉल आने से ही आप एकदम खुशी से पागल हो गए, ऐसा आपको नहीं दिखाना है। आपको बहुत ही स्टेबल रहना है। आपको सवाल पूछने हैं कि आप गए क्यों थे और आपने क्या विचार किया है कि आप लौट कर आए हैं, आप क्या प्रपोजल लेके आए हैं, क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं मुझे, क्या इंपॉर्टेंस है मेरी आपकी लाइफ में, ज़रा मुझे बताइए। ओके गाइस, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। हाँ तो मैं कह रही थी कि आपको उनसे थोड़े सवाल पूछने हैं कि क्या अब क्यों आ गए आप? आप दो सिचुएशंस को जगल कर रहे थे, दो लोगों को जगल कर रहे थे, अब आपका क्या निर्णय है? ओके, आई एम सॉरी गाइस अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, मैं जानती हूँ डिस्ट्रैक्शन होता है रीडिंग में, बट प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट एम आई सेइंग फ्रॉम टू यू। तो ऐसा है यहाँ पर कि वो फास्ट एक्शन लेंगे आपकी तरफ, लेकिन आपको सतर्क रहना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, इंडिया फाइट्स बैक। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि उनका ये जो अचानक से मन बदलेगा ना, अचानक से आपकी तरफ कम्युनिकेशन और ऑफर लेके आने का जो मन करेगा, हो सकता है कि वो आपको देख रहे हैं कि आप ना बहुत ग्रो कर रहे हो, आप बहुत ग्रो कर रहे हो और आप अपनी ही लाइफ में सेटिस्फाइड हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके पर्सन को, आपको देखकर, आपकी लाइफ को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो, इमोशनली भी आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो, काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, यू नो आपकी लाइफ तो एकदम बढ़िया चल रही है, आपकी लाइफ में तो मज़े ही मज़े हैं, आपके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ऐसा उनको दूर से देखने पर लग रहा है। भले ही ऐसा ना हो, चाहे ऐसा ना हो आपके साथ, आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में हों, लेकिन आपके पर्सन देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत खुश हैं अपने जीवन में, बहुत ही संतुष्ट हैं, तो ये देखकर आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो। आप कहते हैं ना कि आप जब अपने आप से प्यार करते हो, अपने आप में स्टेबल फील करते हो, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहते हो, तो आप अपने आप अट्रैक्ट करते हो लोगों को। तो व्यूअर्स, ऐसा है कि आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अगर आ रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर, अपने वेलनेस पर, तो आप अब आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा मैंने कहा भी था अभी कि आपने अट्रैक्ट किया है, उन्हें मैनिफेस्ट किया है, यूनिवर्स से उन्हें मांगा है, प्रेयर्स की हैं, तो वो विश ग्रांट होने वाली है। यहाँ पर द फूल का कार्ड है जो क्लैरिफाई हुआ है, तो वही बात है कि आपकी एनर्जी में चेंज देखकर, आपके बिहेवियर में बदलाव देखकर, आपके पर्सन का मन किया है कि आपके साथ दोबारा सब कुछ शुरू किया जाए, एक नए सिरे से आपके साथ दोबारा सब कुछ शुरू करें और आपके पास रियूनियन का ऑफर लेकर आएं। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये फूल का कार्ड भी दिखा रहा है कि ये पर्सन सब कुछ भूल के, कि जो गलती हुई थी, जो बातें हुई थी, सब कुछ भूल के अभी जो चीज़ देख रहे हैं उसके ऊपर डिसीजन लेंगे और आपके साथ दोबारा अपनी लाइफ शुरू करना चाहेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आपको हैप्पी देखकर, आपको अबंडेंट देखकर लौट कर आना, ये इतनी अच्छी बात नहीं है। आपको उनसे सवाल करने हैं। ओके, भूलिएगा मत, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। यहाँ पर वो स्टक हैं, क्योंकि जब वो स्टक हैं, उनको कोई क्लैरिटी ही नहीं है, तो सिर्फ ये देख के कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अगर वो आपके पास आ जाते हैं तो इसे तो हम प्यार नहीं कहेंगे। लेकिन गाइस, आपके पर्सन कोई फेक ऑफर लेके नहीं आएंगे। आपकी एनर्जी से अगर वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ओवरऑल एनर्जी तो हमारे पास ये है, 10 of Cups, कि वो जब भी आपके पास आएंगे, आप उनसे सवाल करेंगे, तो वो आपको क्लैरिफाई कर पाएंगे। आप पूछेंगे आप क्यों आए थे, क्या गलती की थी, बताइए अब क्या हो गया, आपका मन कैसे बदला है। वो जो भी आपको जवाब देंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप सेटिस्फाइड होंगे, और उसके बाद 10 of Cups है यहाँ पर, यानी कि आप लोगों की फ्यूचर में शादी भी हो सकती है। आपकी शादी होगी, आपके पर्सन आपको इंगेजमेंट के लिए प्रपोज करेंगे, शादी के लिए प्रपोज करेंगे, उस बात के लिए आप खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर ये बात है कि आप लोगों की शादी है आगे। तो ये जो कार्ड आया है फूल का, जो बता रहा है कि नए सिरे से आपके पर्सन सब कुछ शुरू करना चाहेंगे आपके साथ, तो वो बात झूठ नहीं है, सही बात है। वो नए सिरे से आपके साथ सब कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे और आपके साथ फैमिली बनाएंगे आगे जाके। ओके, तो यहाँ पर ये बात सच है कि आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो जिस भी सिचुएशन को, दो सिचुएशंस को जगल कर रहे थे, आपको उसके रिलेटेड सवाल पूछने हैं। ओके, तो गाइज ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन के साथ आपका मिलन होगा या नहीं। ये पूरी तरह से टाइमलेस रीडिंग थी व्यूअर्स, और बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट मैच हुई है या फिर एक्यूरेटली आपसे रेजोनेट हो गई ये रीडिंग। और हाँ गाइज, आप जाने से पहले
वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, क्योंकि लाइक करेंगे आप तो ही ये वीडियोस बाकी लोगों तक पहुंच पाएंगे जिनको इनकी ज़रूरत भी है, गाइडेंस की ज़रूरत है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहूँगी, और कभी कभी चैनल मैसेजेस, चैनल सॉन्ग, इंट्यूटिव मैसेजेस मुझे आते हैं, मुझे फील होते हैं, तो मैं अपनी रीडिंग्स के बीच बीच में देती रहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आप उन मैसेजेस को मिस कर दें, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं किसी और दिन किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।